ओके स्टूडेंट्स, टुडे आई स्टार्ट चैप्टर 18 इंडस्ट्रीज कंपैरेटिव केस स्टडीज। तो बिग आइडिया आपका कंपैरेटिव केस स्टडीज ऑफ इंडस्ट्रीज सच ए टेक्सटाइल, आयरन स्टील एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है इंडिया और अदर कंट्रीज में, जैसे जापान के ओसाका से कंपैरिजन किया गया है कि यहाँ पर क्या फैसिलिटीज और लोकेशन उसका है, और जापान में आयरन स्टील जमशेदपुर, और अमेरिका में यूएसए में डेट्रॉइट, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलिकॉन वैली यूएसए एंड बेंगलुरु इंडिया में। तो यहाँ और वहाँ का हम कंपैरिजन स्टडी करेंगे। न्यूज मेकर में है, इन द 1950s द स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेसर फ्रेडरिक एमोंस टर्मन्स रिक्वेस्ट लीज आउट लैंड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस एंड द स्टैनफोर्ड इंडस्ट्रियल पार्क वॉज फाउंडेड। जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फ्रेडरिक एमोंस टर्मन्स हैं, उनके रिक्वेस्ट पर काफ़ी एरिया में लीज, मतलब लैंड को लीज पे दिया गया, और उस पर इंडस्ट्रियल पार्क या हब की स्थापना की गई। दस वाज लेड द फाउंडेशन ऑफ सिलिकॉन वैली इन एंड ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड अराउंड 1945। तो इंडस्ट्रीज आपका इसमें है, एट अ ग्लैंस में देखेंगे कि आयरन स्टील इंडस्ट्रीज इसमें मेनली जमशेदपुर झारखंड में जो है, और दूसरा डेट्रॉइट, ये अमेरिका में हमने बताया था डेट्रॉइट सिटी। अगला है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अहमदाबाद आपके गुजरात में, जो मैनचेस्टर है इंडिया का, एंड ओसाका जापान में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज बेंगलुरु इन इंडिया एंड सिलिकॉन वैली इन यूएसए। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जैसे लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी गेंड मोमेंटम आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन यूरोप। यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब 18th और अर्ली 19th सेंचुरी में वहाँ पे हुआ, तो एक तेजी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, और फिर धीरे धीरे यूरोप से वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में भी। वाइल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज स्टिल जस्ट बिगनिंग इन सम पार्ट, मतलब वहाँ पे जब एक तरह से पीक पर था तो अदर पार्ट में स्टार्ट हो रहा था, इंडिया जैसे कंट्री में धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा था। इट इज ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड इन सेवरल अदर्स। टू हेल्प यू अंडरस्टैंड सम इंडस्ट्रीज एंड जस्ट वेयर इंडिया स्टैंड ऑन द रोड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्या करना है, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड सम इंडस्ट्रीज, मतलब कि कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में हमको समझना है, और उससे हमको मदद मिलेगी जानने में कि इंडिया किस पोजीशन पर खड़ा है, इंडिया किस राह पर है। लेट अस लुक एट सम कंपैरेटिव केस स्टडीज। टेक्सटाइल वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज, आयरन मोस्ट बेसिक इंडस्ट्रीज, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज ऑफ द मोमेंटम मॉडर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंपेयर स्टडी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्री इन जमशेदपुर इंडिया। टाटा आयरन स्टील टिस्को, जिसको कहते हैं नाउ नोन एज टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, जमशेदपुर इन झारखंड, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। इंडिया में लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज है आउटपुट के मामले में, और प्रोवाइड या प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश 1907। आपने इसको पहले प्री उस चैप्टर में पढ़ा है कि 1907 में ये सेटअप किया गया था एट साक्ची इन द सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। उस समय झारखंड बिहार में ही था, तो झारखंड एक नया स्टेट है अब, तो सिंहभूम जिले में साक्ची पे कंसीडर टू हैव एन आइडियल लोकेशन। लोकेशन के बारे में आपको प्रीवियस चैप्टर में समझाया गया है मैन्युफैक्चरिंग में, कि किसी भी इंडस्ट्रीज के लोकेशन क्या होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल से लेकर के
वाटर पावर सप्लाई एंड चीप लेबर स्किल्ड लेबर लेबर एंड कैपिटल मनी ट्रांसपोर्टेशन ये सब। सर जमशेद जी एंड टाटा हु ब्रॉट रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स टू द टाउन, इनको हम पायनियर कहते हैं इंडस्ट्रियल क्षेत्र में अपने यहाँ के। लेट अस एग्जामिन द फैक्टर दैट प्रॉम्प्टेड जमशेद जी सेट अप एन आयरन स्टील प्लांट। हम सर रोहित सर आप लोग को बुला जा रहा है ऑफिस में आईएनजी सप्लाई यार तो क्लास ले रहा है अब तो गड़बड़ हो जाएगा। INEG supply of all the raw materials required for the plant from places located within a small radius in the Chota Nagpur Plateau. क्या था इजी सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल। नंबर वन तो सबसे जरूरी है कि रॉ मटेरियल की आसानी से पूर्ति हो सके, ऐसे प्लेस पर फैक्ट्री लोकेट हो, स्मॉल रेडियस, एक जो रेडियस मतलब एरिया है छोटा नागपुर का, प्लेटू रिच इन नेचुरल मिनरल रिसोर्स में, आयरन ओर फ्रॉम मयूरभंज, तो मयूरभंज की खान, कुंदेवर झारगढ़ इन उड़ीसा एंड सिंहभूम इन झारखंड। तो यहाँ से आसानी से आयरन ओर कच्चा लोहा मिल जाता था, मतलब ओर जो मेन उसका बेस है, कोकिंग कोल फ्रॉम रानीगंज इन वेस्ट बंगाल एंड झरिया कोल फील्ड इन झारखंड। तो रानीगंज से कोकिंग कोल और वेस्ट बंगाल में और झरिया जो है झारखंड में यहाँ से कोल की सप्लाई, लाइम स्टोन गंगपुरी उड़ीसा एंड मैगनीज फॉर कुंदेर झारखंड। तो ये मिनरल्स जो रॉ मटेरियल मेन है इनकी अवेलेबिलिटी आसपास के जिलों से हो जाती थी। हाईली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क विच कनेक्ट द प्लांट टू कोलकाता एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री थ्रू रेल लाइन एंड रोड। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम गुड होने, रोड और रेल लाइन बेहतर कनेक्ट होने से, और इधर कोलकाता पोर्ट, उड़ीसा में पारादीप पोर्ट, सो फिनिश्ड एंड रॉ मटेरियल के इजीली सप्लाई होने में कोई प्रॉब्लम उतनी नहीं होती थी। नियरनेस टू द पोर्ट एट कोलकाता दैट फैसिलिटेट एक्सपोर्ट। क्लास ले रहे थे यार।